गर्मी में आइसक्रीम तो बनता है राइट। तो स्वाद आपके लिए लेके आया है आइसक्रीम का कोर्स, वो भी एब्सोल्युटली फ्री। आप सोचोगे कि ये कोर्स ही क्यों? ये कोर्स मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है क्योंकि जब लॉकडाउन हुआ था तब मैंने ये आइसक्रीम के कोर्स का शूटिंग किया था मेरे घर से, और उसके बाद मेरी जर्नी शुरू हुई। तो अभी तो हमारे पास 150 प्लस ऑनलाइन कोर्सेज है जो हमारे सारे नए स्टूडियो से हमने शूट किया है। अगर ये सारे कोर्सेज आपको विजिट करने हैं तो आप जा सकते हो हमारी वेबसाइट पे और विजिट करो, या फिर हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और आपको कहीं से भी कभी भी हमारी कोई भी कोर्स आपको बाय भी करने हैं आप कर सकते हो। पर अभी जो आपको फ्री कोर्स मिला है आइसक्रीम का, वो आप देखिए, आइसक्रीम बनाइए और मेरी तरह एंजॉय करिए। अभी मैं मेरा आइसक्रीम एंजॉय कर रही हूँ, आप भी बना के एंजॉय करिए। बाय। क्लास है स्वाद किचन में आइसक्रीम का, और हमने इसमें आइसक्रीम में प्लेन बेस बनाया था। प्लेन बेस जो बनाया था उसके अंदर बी श्योर आपको ध्यान ये रखना है कि हमने, आप अपनी रेसिपी लिंक चेक करना जिसमें मैंने सबसे ज्यादा लिया हुआ है मिल्क पाउडर, इससे कम गया हुआ है हमारा कॉर्नफ्लावर, उससे कम गया हुआ है जीएमएस, इससे भी कम गया है सीएमसी। सो इसके मेजरमेंट आप अपने लिंक में चेक कर लो, ओके। एंड अभी हमने जो बेस बनाने के लिए रखा था उसमें से मेरा ऐसे हार्ड बेस बनके तैयार है, देखिए। और ये हार्ड बेस कैसे चेक करोगे? ऐसे। सो देखो ये अंदर जा नहीं रहा है, राइट। इतना हार्ड बेस है मेरा। सो ये जितना हार्ड है इतना ही क्वालिटी आपको अच्छी मिलने वाली है, ठीक है। पर मेरे पास थोड़ा और बेस था जिसमें से मैं इतना आइसक्रीम बना चुकी हूँ। सो ये मेरा 3 लीटर का डिब्बा है, ऑलमोस्ट ये होगा 8 नंबर का। तो इसमें से मैं ये बेस पहले यूज करना है मेरे को, क्योंकि मुझे मेरा फ्रिजर खाली करना है, तो मैं इसमें से ले लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेते हैं, ये बना रहे हम क्रीम एंड कुकीज। सो क्रीम एंड कुकीज जो हम बनाते हैं वो आइसक्रीम के लिए सबसे पहले हमको चाहिए ये डीप फ्रीजर में रखा हुआ हमारा 250 ml का प्लेन बेस। 250 ml यानी कि मैंने आपको जो मेजरमेंट समझाया है वो सारे मेजरमेंट है 500 ml के। उसमें से आपको दो पार्ट करके आधा बेस लेना है। हालांकि आप उसको फुल बेस लेना चाहते हो तो भी ले सकते हो, उसमें फ्लेवर आपके डबल हो जाएंगे। पर हम क्या करते हैं, दो बैचेस में अलग अलग फ्लेवर बना रहे हैं। आप 500 ग्राम तक, मतलब 500 ml तक एक साथ में बना सकते हो, ठीक है। पर मेजरमेंट ये जो मैंने फ्लेवर लिए हैं वो आपको करने हैं डबल, ठीक है। सो ये बेस मेरा हो गया। अभी इसमें जाने वाला है 1/4 कप जितना फ्रेश क्रीम। जो फ्रेश क्रीम है मेरा वो है मिल्क प्रोडक्ट, और ये है अमूल फ्रेश क्रीम। अगर ये आपको मिलता है उसको हैवी क्रीम भी बोलते हैं। अगर ये मिलता है तो ये ले लो, वरना आप ले सकते हो डेरी फ्री नॉन डेरी क्रीम। मैं आगे आपको फ्रेश जो हम बनाने वाले हैं आइसक्रीम उसमें बताऊंगी, नेचुरल आइसक्रीम में, राइट। सो यहाँ पे मैंने अभी लिया है फिलहाल अमूल का फ्रेश हैवी क्रीम, राइट। उसके साथ दूसरा जो फ्लेवर में जाता है वो है ओरियो बिस्किट्स, एंड दूसरा है हाइडनसिक बिस्किट। सो दोनों में से कोई एक भी आप लेते हो तो इट्स ओके, कोई कंपलसरी नहीं है। ऐसे ये वाला बॉक्स नहीं मिलता है, सिंपल वाला है वो भी आप ले सकते हो। मैं अभी दोनों ले रही हूं, पर एनी टाइप ऑफ चॉकलेट फ्लेवर बिस्किट के साथ इजीली आप इसको बना सकते हो। सो यहाँ पे मैं ओरियो ले रही हूँ और थोड़े हाइडनसिक ले रही हूँ। पर ऐसे आते हैं हाइडनसिक, ये थोड़ा नया फ्लेवर है, वैसे अलग तरीके से भी आता है जिसमें थोड़े थोड़े छोटे छोटे चॉकलेट चिप्स रहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों में, इसमें से मैं दो पीस ले रही हूँ, और मैंने ऐसे ओरियो के 6 स्लाइस लिए हैं, छोटे हैं। बड़ा होता है तो 3 से 4 में चलता है, एंड डिपेंड्स अपॉन योर टेस्ट, क्योंकि किसी को बिटर पसंद है, किसी को चॉकलेट ज्यादा पसंद है, बिस्किट ज्यादा ले सकते हो। और एब्रॉड में इसमें बहुत सारे फ्लेवर मिलते हैं। देखो मेरा ये जो है वो वेनिला फ्लेवर है, अंदर व्हाइट क्रीम है। आपको क्रीम के साथ ही टुकड़े करके लेने हैं, राइट। कतर से आप उसके टुकड़े कर लीजिए, एंड अगर आपको ऑरेंज या तो डार्क चॉकलेट क्रीम भी इसमें आता है तो वो भी आप ले सकते हो, ठीक है। चलिए, तो मैंने यहाँ पे
ये जो है उसके टुकड़े करने हैं एंड थोड़े चॉकलेट भी मैं अंदर डालती हूँ। थोड़ा मैंने यहाँ रखा है ऊपर से टॉपिंग करने के लिए। और ये मैं डाल रही हूँ एक छोटा सा केक या तो ब्राउनी का टुकड़ा, इट्स कम्प्लीटली ऑप्शनल, ये स्किप कर सकते हो क्योंकि मेरे पास अभी अवेलेबल है, अगर आपके पास नहीं है तो स्पेशली लेने मत जाना, चलेगा। चलिए अब ये मैंने अच्छे से चिल्ड लेना है और इसको हम कर रहे हैं ओपन एंड अभी इसमें हम डाल देते हैं 1/4 कप, इतना ये थिक निकलता है ऑफ क्रीम। तो इसको मैंने फ्रीजर में इसलिए डाला था कि ये इसमें से थोड़ा जो बीच में से दूध निकल गया वो मुझे निकाल देना है, क्योंकि एक चम्मच दूध भी आपके आइसक्रीम में आइस क्रिस्टल ला सकता है। सो आपको ऐसा व्हिप्ड किया हुआ क्रीम या तो ऐसा चिल्ड किया हुआ थिक क्रीम ही डालना है, बी श्योर, क्योंकि एक पानी का बूंद या एक चम्मच दूध आपके आइसक्रीम में बर्फ लगा सकता है, आइस क्रिस्टल लगा सकता है। तो बी श्योर आपको कहीं से भी दूध या पानी, इवन जो कंटेनर में हम सेट करने वाले हैं वो उसमें भी एक पानी की बूंद नहीं होनी चाहिए। सेकेंड थिंग, मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक बिटर मशीन यूज करने वाली हूँ। तो ये बिटर मशीन, एक बिटर कहा जाता है, मेरे पास ये हाईटेक का है, इटालिया का आता है, फिलिप्स का आता है, मॉर्फी रिचर्ड्स का आता है, गुड क्वालिटी कंपनी का आप ले लो। इसकी कटर आपको ऐसे फिट करनी होती है, यहां से पुश करते हैं तो आपकी कटर ऐसे करके निकल जाती है एंड देन आपको उसको वॉश करना है, कभी भी खींचना नहीं है, नहीं तो आपकी कटर टूट जाएगी। ठीक है, सो मैं इसको देखो कर रही हूँ सेट ऐसे एंड ये भी ऐसे एंड जस्ट एक बार खुद खींच के चेक करो और फिर स्टार्ट करो, वरना कभी कभी फ्रेशर से ये कटर टूट जाती है। ठीक है, अब मैं ये बेस को थोड़ा कट करती हूँ ऐसे हैवी स्पैचुला से। ये हमारी आइसक्रीम एकदम क्रीमी एंड फ्रोथी एंड एकदम लस्टर उसका हमको बढ़िया सा चाहिए, तो आपको ऐसे उसके टुकड़े कर लेने हैं। तो पार्टिकल्स थोड़े थोड़े निकाल दीजिए। नहीं तो क्या होता है, आपकी मशीन बिगड़ जाती है। हार्ड पार्टिकल्स होने की वजह से आपकी मशीन बहुत जल्दी से बिगड़ जाती है, तो मैंने उसको छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं और अभी हम इसको बिट करना शुरू करेंगे। इसके पहले मैं डाल देती हूँ इसमें 1/2 टीस्पून ऑफ वेनिला या तो चॉकलेट या तो कुकीज एसेंस या तो एक्सट्रैक्ट। सो यहाँ पे 1/2 टीस्पून जा रहा है मेरा वेनिला एसेंस। वेनिला एसेंस बहुत स्ट्रांग नहीं आता है तो मैं थोड़ा और डाल रही हूँ, क्योंकि कोई भी आइसक्रीम में विदाउट एसेंस फ्लेवर नहीं आता है। और एक्सट्रैक्ट और वेनिला, हमारे लास्ट वीडियो में किसी ने पूछा था कि दोनों का डिफरेंस क्या है। सो एक्सट्रैक्ट इज अ ओरिजिनली फ्लेवर, सो वेनिला के पॉड आते हैं, सो एक लंबी स्टीक आती है, उसको काटते हैं ना तो जिसमें एलोवेरा का कैसे लिक्विड निकलता है वैसे इसमें से लिक्विड निकलता है, वो थोड़ा सा फ्लेवर में घुमाओ बढ़िया सा फ्लेवर आता है। पर वो ओरिजिनल एक्सट्रैक्ट मोस्ट प्रोबेबली ठंडे वेदर में, यानी कि आप एब्रॉड में है तो वहां पे आपको एक्सट्रैक्ट ही मिलेगा। और इसको डाइल्यूट करते हैं अल्कोहलिक एंड वाटर के साथ और फिर इसमें से बनते हैं ऐसे एसेंस। इसमें एफईबी फैब कंपनी का एसेंस मुझे ज्यादा पसंद है, वो आप ले सकते हो, या फ्लाइंग बर्ड जैसे मिल कंपनी के मिलते हैं वो भी आप ले सकते हो। सो ये मेरे पास अभी फैब का है। सो फैब के एसेंस पर्सनली बहुत अच्छे आते हैं, मुझे पसंद है, आप मिले तो लो, वरना आपकी सिटी या कंट्री में जो मिलता है वो आप ले सकते हो। और ये जो एक्सट्रैक्ट और एसेंस होता है, इससे भी एक ज्यादा होता है इमर्जन। इमर्जन यानी एक्सट्रैक्ट प्लस कलर, सो दोनों मिक्स आता है। सो आपको किसी में कलर और एक्सट्रैक्ट की जरूरत है तो आप इमर्जन यूज करो। और दूसरा एक आता है ऑयल बेस एसेंस, जो चॉकलेट वगैरह में जाता है जहां पे पानी नहीं डलता है, राइट। चलिए सो हम यहाँ पे एक बिटर से शुरू करते हैं फेंटना। पहले हमेशा स्लो स्पीड पे करेंगे
मेरे पास एक रेड वेलवेट का थोड़ा सा केक था, वो मैंने डाला है, या मफिन्स डालो या कुछ नहीं डालो, सिर्फ आपके कुकीज से भी ये आइसक्रीम बनती है, डोंट वरी। अच्छे से ऐसे बीट हो गया ना, फिर आप जो आपका बाउल है ना उसकी हाइट से थोड़ा ऊपर लेके आ जाइए मशीन को, तो इससे क्या होगा, कटर टकराएगी नहीं और अच्छे से आपका जो फॉर्म है वो बनने लगेगा। अभी हम इसको अंदर से निकालते हैं, तब आपको हाई स्पीड पे ही पूरे मशीन को ऊपर ले लेना है एंड बंद कर देना। ये मेरी ट्रिक है जिससे आपका बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएगा। और मैं आपको बताती हूँ कि मैंने उसमें डाल के हाई स्पीड पे है वहां पे भी बंद कर दिया और फिर मैं निकालती हूँ तो ऐसे निकलेगा। ठीक है, ये एक्सपीरियंस से आता है कैसे उसको करना चाहिए। तो मैं हाई स्पीड पे अंदर ही बंद कर दूंगी, नहीं नो ऊपर लूंगी, धीरे धीरे ऊपर लेके फिर बंद करूंगी। नीट एंड क्लीन कटर आपकी निकल जाएगी। अभी मैंने रेड वेलवेट का थोड़ा सा केक डाल के उसको ट्विस्ट दिया है, तो रेड वेलवेट ओनली केक से भी आपका आइसक्रीम बनता है, जिसमें रेड वेलवेट का एसेंस या वेनिला एसेंस एंड रेड वेलवेट के केक के टुकड़े डालते हैं। तो मेरे पास था तो मैंने दोनों कंबाइन किया है। सिर्फ क्रीम एंड कुकीज आप करोगे तो आपका कलर एकदम ब्राउन आएगा, और ये थोड़ा हमारा हल्का सा ब्राउन विथ रेड आया है। अभी देखिए इसमें मुझे लेयर पाड़ने हैं, लेयर निकालना बहुत कंपल्सरी होता है। देखिए इसका लस्टर, ओके, एंड अभी इसको हम जाने देते हैं इन, देखिए इधर, ये लेयर आते हैं तो समझ लो आपकी आइसक्रीम प्रॉपरली बिट हुई है। और 250 ml को आपको 5 मिनट लगेगा। ठीक है, आप ऐसा मत सोचना कि मैं ज्यादा बीट करती हूँ तो ज्यादा आइसक्रीम मिलेगी, नहीं कभी नहीं। आप उसको 5 से 6 मिनट से ज्यादा बीट मत करिए अगर आपका 250 ml का बेस है, राइट, क्योंकि नहीं तो जितने एरेसन अंदर भर जाएंगे ना उतना वो आपको जल्दी से पिघल जाएगा। सो मैंने थोड़े चंक्स डाल दिए हैं और वापस मैं इसके ऊपर आइसक्रीम डाल देती हूँ। जितने लेयर में आपको बीच बीच में चंक्स डालने हैं आप डाल सकते हो, एंड पाउडर पसंद है पाउडर भी डाल सकते हो।
अभी इसका मैं थोड़ा क्रस्ट कर लेती हूँ एंड इसको हम डाल देते हैं एंड फिर स्पैचुला से ऐसे ऐसे कर लेते हैं। चलिए तो ये हमारा ऐसे रेडी हो जाएगा क्रेमन कुकीज विद हल्का सा रेड वेलवेट का मैंने ट्विस्ट दिया है। सो सिर्फ क्रेमन कुकीज के लिए आपको ओरियो ओनली ओरियो ओरियो एंड हाइड एंड सिक आधा आधा ले लो। ओनली ओरियो लोगे तो ज्यादा बिटर होगा, हाइड एंड सिक से थोड़ा कम बिटर होगा। क्रीम उसमें हमने फ्लेवर के लिए डाला हुआ है, बेस हमारा था वेनिला एसेंस था और ट्विस्ट दिया है मैंने हल्का सा रेड वेलवेट का। और अभी हम इसको बंद कर देते हैं और यस बंद करने में और एक मैं तरीका आपको बताती हूं। अगर आपका पुराना वाला फ्रिज है तो उसमें डिफ्रीजर में कश्मीर बन जाता है राइट, पानी गिरता है। सो पानी गिरता है तो वो पानी आपकी आइसक्रीम का दुश्मन बन सकता है राइट। सो इसके लिए आप एक क्लिन रैप ले लो या तो कोई जिपलॉक बैग को दो पार्ट में काट के वो ले लो एंड जस्ट उसको रैप कर दो ऐसे। एक सेफर साइड है आपको ये भी मैं बता देती हूँ जिसकी वजह से आपके आइसक्रीम में बिल्कुल क्रिस्टल नहीं होंगे। अब यहाँ पे आप गलती दूसरी क्या करते हो, एक बार ये आइसक्रीम आपको 5 से 6 घंटा डीप फ्रीजर में मीडियम टेम्परेचर पे सेट करना है। आप निकालते हो खाने के लिए, हमने आइसक्रीम ले लिया फिर ये ढक्कन रख देते हैं साइड पे, फिर इधर ऐसे रख देते तो ढक्कन का पानी अंदर गिरता है और दूसरी बार जब आप आइसक्रीम खाते हो तो आइस क्रिस्टल होते हैं। सो ऑलवेज ढक्कन को साइड करो, ये बैग को बदल दो, ढक्कन को वापस पहुंच के क्लीन करो एंड फिर रखो। अगर आपका पुराना वाला फ्रिज है तो बी श्योर क्योंकि वहां पे पानी हमेशा गिरता रहता है। फिर इसको ज्यादा पानी वाला फ्रिज है तो उसको भी आप जिपलॉक बैग में डाल के कवर कर सकते हो, पर एल्यूमिनियम फॉइल मत रखना क्योंकि एल्यूमिनियम फॉइल का काम है बाहर की गर्मी को अंदर नहीं जाने देगा। सो गर्म का गर्म ठंडा का ठंडा तो इतना अच्छा नहीं जमेगा। सो प्लास्टिक कंटेनर ऐसे है या फिर आपका टपरवेयर का कंटेनर है या फिर अच्छे वाली क्वालिटी का है तो उसमें ले सकते हो। और हम यहाँ पे बनाएंगे क्रेमन कुकीज और हमारा बन गया है। चलिए तो ये हमारा कुकीज एंड क्रीम आइसक्रीम रेडी है, उसको हम निकालते हैं सर्विंग के लिए। उसमें हमने हल्का सा ट्विस्ट दिया था, हमने डाला था इसमें रेड वेलवेट का थोड़ा सा केक का टुकड़ा या फिर आप ब्राउनी के क्रम्बल्स भी इसमें डाल सकते हो, वो मैंने आपको बताया था। सो यहाँ पे हम स्कूपर लेते हैं, उसको पानी में डुबोते हैं एंड देन आइसक्रीम निकालते हैं। जब भी आप आइसक्रीम निकालते हो आपको ऐसे करके सीधा ही खींचना है जिससे आपका स्कूप बढ़िया निकलेगा।